धमतरी में ओवरलोड हाईवा अवैध रेत परिवहन से हो रहे जर्जर सड़क के निर्माण के लिए लगातार प्रदर्शन के बावजूद नहीं थम रहे पहिए, जिसको लेकर पुनः ग्रामीण हुए लामबंद। प्रदेश सरकार द्वारा धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले में अवैध रेत खनन, अवैध परिवहन सहित एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर नदी में खुलेआम चैन माउंटेन के द्वारा हाईवा लोडिंग किया जा रहा है और क्षमता से अधिक लोडिंग करके सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है, जिससे लोगों को जर्जर सड़क और दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ग्रामीणों के अनुसार परसुली रेत खदान में रद्द हो चुके पीट पास के माध्यम से अवैध परिवहन का मामला फिर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में नियमों को खुली चुनौती देते हुए ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और राजस्व को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित खनिज विभाग के अधिकारी को दी गई, लेकिन उचित कार्रवाई के अभाव में ग्रामीणों द्वारा लगातार जन आंदोलन प्रदर्शन चक्का जाम के माध्यम से शासन को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन व संबंधित अधिकारी प्रभावी कार्यवाही के अभाव में ठेकेदारों की हौसला बुलंद होने लगा है और जिले में एक के बाद एक रेत के मामले थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पुनः कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मैं ग्राम पंचायत दरी से सरपंच गीतेश्वरी साहू बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ कलेक्टर सर के पास ये मांग लेकर आए हैं कि जो हमारे कोलियारी खरेंगा रोड है, ऐसी जर्जर हो चुका है, उस जर्जर रोड में भारी वाहन का प्रवेश निषेध करें। जब तक कि रोड का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारी वाहन वहां से गुजरना नहीं चाहिए, और साथ ही जो शासन जो टेंडर कर रहे हैं खदानों को उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर टेंडर होगी खदान चलेंगे तो भारी वाहन का निकलना तो निश्चित है, तो भारी वाहन का रोक लगना चाहिए और टेंडर की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। अभी तक हाँ पिछले 3 माह से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं समस्त ग्रामवासी, और उनके बावजूद भी एक बार हम लोग कोलियारी में भी चक्का जाम किए थे, तो हमें अधिकारियों से या शासन प्रशासन से ये उम्मीद मिली थी कि हमारे रोड में भारी वाहन का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, साथ ही कोई भी खदान को टेंडर नहीं किया जाएगा जब तक कि रोड नहीं बनता, और रोड जब तक नहीं बन रही तब तक उसमें रिपेयरिंग होते रहेगी लेकिन भारी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। लेकिन अपनी बातों पर या अपने जुबान पर कायम न रहते हुए भी जनता की जज्बातों को रौंद कर आज शासन प्रशासन के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा आज पुनः एक बार टेंडर की प्रक्रिया लागू हो चुकी है और भारी वाहन वहां से आवाजाही हो रहा है, तो इस चीज को रोक लगाने के लिए हम लोग यहां समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं और यहां कलेक्टर सर के पास अपना जो शिकायत लेकर या अपना मांग लेकर आए हैं। रोड में कितने मौत हो चुकी है? रोड में अब तक की कोई उसकी गिनती नहीं है। कई छोटे छोटे ऐसे बच्चे रहते हैं जो स्कूल जाते हुए भी कतराते हैं, उसमें उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं हम लोग जा रहे हैं तो सुरक्षित तो वापस आएंगे। अरे बच्चों की तो छोड़ो, उनके माता पिता या उनके अभिभावक जो रहते हैं उसको ये चिंता सताए रहती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कब सुरक्षित लौटेंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चों भी कई बार घायल हो चुके हैं, कई बार एजेंट भी घायल हो चुके हैं, कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। इंद्र साहू कोलियारी दोनर खरेंगा जर्जर मार्ग का संयोजक हूँ। 23 ग्राम के सभी जनमानस अपने रोड की दुर्दशा पर रोड निर्माण के लिए इंतजार करते करते थक गए, तब उग्र होकर स्वयं के हाथों में अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए क्षेत्र में चलने वाले आम नागरिकों की परेशानी दुर्दशा, कई दुर्घटना में हमारे बाल बच्चों का हाथ पैर टूट रहे हैं, कईयों का जान गंवा गया, कईयों का परिवार तबाह हो गया उस रोड की वजह से। फिर भी प्रशासन ने उस रोड को बनाने में ना तो ध्यान दिया, ना ही उस क्षेत्र में चलने वाले खदान को प्रतिबंधित किया, हैवी वाहन को प्रतिबंधित किया, तब उद्वेलित होकर हमारे क्षेत्र के नागरिकों द्वारा संघर्ष समिति बनाकर लगातार हम लोग 3 महीना से आंदोलनरत हैं, जिसके तहत हम लोग कोलियारी में चक्का जाम भी किए। विशाल चक्का जाम में सभी विभाग के हमारे अधिकारी, चाहे वह माइनिंग हो, PWD विभाग हो, राजस्व विभाग का, और जो रोड निर्माण ADB योजना में जिनका स्वीकृति हो गया, ऐसा सुनते सुनते 2 साल हो गए, वो सभी आकर आश्वस्त किए थे कि जब तक यह रोड चौड़ीकरण नहीं हो जाएगा, नया नहीं बन जाएगा, तब तक इस रोड का
कोई प्रकार का हेवी वाहन चलने नहीं देंगे और चलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी चार दिन पहले परसुली ग्राम में अवैधानिक तरीके से खदान को चालू कर दिया गया, जिसकी जानकारी लगने पर संघर्ष समिति के लोग वहां पर पहुंचकर उसका विरोध किए। अभी तीन दिन से वहीं पर छह गाड़ी हाईवा ओवरलोडेड मंदिर नुमा बने हुए खड़े हुआ है। जिस दिन हमने विरोध किया गाड़ी का, उस दिन माइनिंग विभाग के बड़े अधिकारी पैकरा साहब ने जाकर वहां पर देखा भी, उसको वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया, लेकिन वो उल्टा जो भी धरना आंदोलन में बैठे आंदोलनकारी उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार कर वापस उल्टे पांव लौट गए और किसी प्रकार के आज तक उस गाड़ी ऊपर कार्रवाई नहीं किया। सभी गाड़ी वहीं पर रोड के नदी किनारे खड़े हुए हैं और उसके सुरक्षा में हम लोग पूरे आंदोलनकारी रात और दिन वहां पर कड़कते ठंड में सोकर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है वहाँ का, तो क्या है अवैध खदान है वहाँ, कोई खदान संचालित नहीं है। लेकिन इस पार्ट में हम लोगों को अनस खान का सामना हुआ था, जिनके द्वारा काफ़ी प्रयास भी खदान को चलाने के लिए किया, लेकिन हम लोग भी उससे निवेदन किए कि वस्तु स्थिति को देखते हुए आपके द्वारा निरंतर सभी खदानों को संचालित हमेशा से करते आए हो, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों को सहयोग करो। ऐसे हम लोग करता हूँ, मैं निवास ग्राम खरिंगा से हूँ। हमारा समस्या, हम लोग सड़क निर्माण संघर्ष समिति से हैं। हमारे द्वारा लगातार निगरानी में पूरा नंदी तट के एक ग्रामवासी हैं। हमारे द्वारा हाईवा प्रतिबंधित है पूरे क्षेत्र में। अभी विगत शुक्रवार रात में 6-7 हाईवा ग्राम परसुली से निकल रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, उसको रोका। हम लोगों ने कहा पर भारी वाहन हमारे रोड में नहीं चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग विगत 3 दिन से शुक्रवार शनिवार रविवार 24 घंटे हम लोग वहाँ पे उसमें निगरानी कर रहे थे। धूप में और रात में भरी ठंडी में हम लोग वहाँ पे निगरानी कर उनको रोक कर रखा। इसके बीच कोई कार्यवाही नहीं किया गया 3 दिन तक। हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से कार्यवाही के लिए मांग कर जन दर्शन में पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्र के वासी आए हुए हैं। इस पर हम लोग ने कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किया। ठेकेदार कौन है? खदान से निकल रहा था अनस, ठेकेदार वहाँ का मालिक है। उनके वो भी आए थे शुक्रवार रात, जब हम लोगों ने गाड़ी रोका, उनके द्वारा बोल रहा था कि वो कौन रोकता है मैं देखता हूँ। इस तरह का उन लोगों ने वाद विवाद किया और उस रात में खनिज विभाग के बड़े अधिकारी भी गए थे पैकरा साहब, उन्होंने भी बहुत ऊपर नीचे हम लोग से बात किया, कोई कार्यवाही करने के लिए तैयारी नहीं है। उल्टा हम लोग को बोल रहे थे आपके लिए कार्यवाही होगा करके। तो हम खदान अवैध है सर, पीठ पास दो साल के लिए जारी हुआ था, उनका पीठ पास का समय 7वें महीने में खत्म हो चुका है और उसी पीठ पाट को अभी जाली करके उन लोग रेत निकालने की बात कर रहे थे।